जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायर गेज क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं, ये एक वायर गेज बना हुआ है और इसका पूरा हम इसका जो मापने का तरीका, इसके साइज और इसमें कितने नंबर होते हैं, ये सारी चीज को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे मोटा मोटी पढ़ के छोड़ देते हैं, इसलिए ये नंबर हो सकता है कि आपको ना मिले। लेकिन आप ऐसा गलती कभी नहीं होगा, जैसे ही आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठ जाएगा और बैठा लेंगे। देखिए कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ में आप एक प्लेट देख पा रहे होंगे, एक्चुअली ये कटर है लेकिन ये देखने में वायर गेज के भांति ही दिखता है। इसे देखकर आप समझ जाइए ये और ये प्राय प्राय आपको एक ही जैसे दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये वायर गेज है और वायर गेज जो है ये इस प्रकार से होता है, अलॉय स्टील का बना हुआ एक गेज है। इसमें आप देखेंगे तो आपको एक पूरे सीडी के डिस्क की भांति एक आकार देखने को मिल रहा है और इसमें ये होल भी दिख रहा है और कटा हुआ स्लॉट, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये होल है और इसके सामने ये इस प्रकार से स्लॉट कटा हुआ आपको दिख रहा है। दोस्तों ये अलॉय स्टील का बना हुआ होता है और इसकी मोटाई जो है वो लगभग 3 मिलीमीटर होता है। अब बात करते हैं कि ये क्या है, क्या चीज है, बेसिकली इसका यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम किसी शीट की मोटाई या वायर के कोर व्यास को मापने के लिए करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो होल आप देख रहे हैं ना, ये होल में वायर को डालते हैं, वायर को छील के उसके बाद इसके अंदर डाला जाता है, तो उससे पता चलता है कि वायर की मोटाई या व्यास कितना है। तो उसको हम इस प्रकार से देखेंगे, जैसे वायर मान लीजिए कोई वायर है, ये इस प्रकार से इस वायर को छील के इसके अंदर से इस प्रकार से डाल देते हैं। जैसे इसका डाया होता है उसके हिसाब से ये अलग अलग साइज का होता है। दोस्तों इसका जो दूसरा यूज है वो इस प्रकार से, मान लीजिए एक शीट है, शीट को इस प्रकार से डाला जाता है, जितने इसके शीट की मोटाई होती है उसके हिसाब से इसके जो स्लॉट है उसका सिलेक्शन किया जाता है और ये 0 से लेकर 36 नंबर अर्थात 37 साइज में होते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुने होंगे कि कोई भी चीज को आप खरीदने जाते हैं बाजार में, अब अलमारी खरीदने जाते हैं, अब एसी सॉरी अब कूलर खरीदने जाते हैं, दीवान खरीदने जाते हैं या कोई गेहूं दाना रखने की कोठी, कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार आपसे पूछते हैं कि भाई साहब आपको कितने गेज के लेने हैं, क्या आपको 20 गेज चाहिए या 24 गेज चाहिए, तो उस टाइम आप यही समझते हैं कि जैसे हम गेज को ज्यादा बोलेंगे तो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी और अच्छा हो। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे गेज की संख्या बढ़ती जाती है शीट की मोटाई उतने ही कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बोलूं कि आप 10 गेज का लेंगे या 15 गेज के, तो दोस्तों 10 गेज का मतलब शीट की मोटाई अधिक होंगे और 15 गेज की शीट की मोटाई जो है वो कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो स्लॉट होते हैं उसे नंबर ऑफ गेज या गेज नंबर से समझा जाता है, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कभी भी कोई भी शीट खरीदने जाए तो हमें गेज पर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं गेज, आप 10 गेज की जगह 20 गेज लीजिए, 20 गेज की मोटाई अधिक होगी। अब हम बात करते हैं कि इसका साइज कितना होता है। तो दोस्तों इसको जब देखते हैं हम तो ये BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पर ये 0.125 mm से लेकर 8 mm तक के जो वायर होता है, क्या होता है वायर, उस वायर को नापा जाता है। 8 mm तक के वायर को इस गेज के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद यदि दूसरा वायर मोटे वायर होते हैं तो फिर दूसरे हम तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर आदि का प्रयोग करके नापते हैं। लेकिन सवाल आता है कि 8 तक ही क्यों। तो दोस्तों जो दुनिया भर में जितने वायर यूज होते हैं आमतौर पर 1 mm, 2 mm, 5 mm तक के वायर सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इसीलिए 8 mm तक ही इस गेज का यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि शीट की मोटाई कितने तक नापा जाता है। तो दोस्तों 0.25 mm से लेकर 5 mm मतलब 5 mm तक के जब शीट की मोटाई मापनी हो तो इस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ खास बातें। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और भी दिखा देता हूं जिनको समझ में नहीं आया या जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए खास है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक जो गेज आप देख रहे हैं ये आपका वायर गेज है, इसको यहां से जब नापेंगे तो इसकी मोटाई 3 mm होगी। ठीक है,
और ये जो आप होल देख रहे हैं इसके अंदर से वायर को मापा डाला जाता है जो इसके साथ पूरे टाइट फिट बैठ जाए, उसे हम उसका कोर या उसके गेज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं 8 गेज का वायर, 7 गेज के वायर, 10 गेज के वायर, इस प्रकार से हम नामांकित करते हैं। इसी प्रकार से हम शीट की मोटाई नापते हैं, जो भी शीट आपको लगता है कि इसके अंदर आ जाएगी, शीट को ऐसा डाला जाता है स्लॉट के अंदर, जैसे ही वो टाइट आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि दोस्तों ये शीट बिल्कुल इस गेज का होगा, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लोग भ्रमित क्यों हो जाता है, कंफ्यूज क्यों होता है, इसे आप जान लीजिए। जैसे आपसे पूछते हैं कि वायर गेज का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों वहां नीचे वायर एक भी नहीं रहता है, वहां लिखा क्या रहता है, शीट की मोटाई, ठीक है, किसी जॉब की चौड़ाई, किसी जॉब की हाइट, किसी जॉब की एंगल। तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने अभी सुन लिए हैं, हो सकता आपने पहले भी पढ़े हो इसलिए आपको इजी लग रहा हो, लेकिन इस प्रकार से भ्रमित क्वेश्चन या कंफ्यूज वाला क्वेश्चन आपको दिया जाता है एग्जाम में। तो आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो एस बताएं या थम्स दिखाकर मुझे बताएं कि आप लोग समझ गए।